नमस्ते ओम शांति। आप सब श्रोताओं का बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। सी द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन। आत्मा को पहचाने, आत्मा को पहचानेंगे तो सत्य को पहचानेंगे। सो आज परमपिता परमात्मा हमें 259वें दिन के ईश्वरीय वरदान में कहते क्या है उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। बाबा कहते हैं अपनी सतोगुणी दृष्टि। सतोगुणी दृष्टि मतलब कि बिल्कुल भी किसी के बारे में एकदम अपवित्र संकल्प ना हो, किसी के साथ घृणा हो ना हो, नफरत ना हो, ईर्ष्या ना हो, आपके अंदर लोभ ना हो, ये सारी चीजें नहीं होने से आपकी जो दृष्टि है, जो आपकी छठी इंद्रिय है, आप जो आत्मा है, आप पवित्र सोना बन जाते हैं 24 कैरेट का। नहीं तो अगर उसमें मिलावट होता है सोने में, तो फिर उसके अंदर मिलावट होना मतलब कि आपके अंदर क्रोध आ गया, आपके अंदर अहंकार है, ईर्ष्या है, घृणा है, तो आप सोने जैसे नहीं रहते। इसी के अनुसार बना हुआ है सत्युग गोल्डन एज, त्रेता युग सिल्वर एज, फिर आपका द्वापर युग कॉपर एज, और अभी कलयुग आयरन एज। सबकी बुद्धि आयरन जैसी हो गई है जिसपे जंक लग जाता है, किसी ने कुछ बोल दिया, छोटी 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 बात बोल दी, दुखी हो गए। तो ये सारी स्टेजेस जो है ये आत्मा की स्टेजेस हैं, कॉन्शियसनेस की स्टेजेस हैं, चेतना की स्टेजेस हैं। तो परमात्मा कहते हैं अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा परमात्मा हमारी कलयुग की लोहे जैसी बुद्धि को सतोगुणी मतलब सोने जैसी बुद्धि बनाने के लिए आते हैं धरती पर। तभी कहते हैं ना मनुष्य से देवता की एक रत्न लगी वार गुरु ग्रंथ साहिब में, कि परमात्मा जब धरती पर आते हैं तो उनको मनुष्य से देवता बनाने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन हम बच्चे जो होते हैं हम टाइम लगाते हैं। परमात्मा तो ज्ञान दे रहे हैं हमें ब्रह्म कुमारी के द्वारा, लेकिन हमें उनको पहचानने में, हमें इस ज्ञान को पहचानने में, हमें इस दुनिया के चक्र को पहचानने में टाइम लग जाता है। तो परमात्मा कहते हैं अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भवा। अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की, औरों की दृष्टि वृत्ति मतलब उनकी एटीट्यूड को परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भवा, कि आपके अंदर इतनी ताकत आ जाए, इतनी पवित्रता आ जाए कि औरों को आप साक्षात्कार करा पाए, जिसको कि हम कहते हैं डेजा वू हो जाता है उनको। तो परमात्मा कहते हैं विस्तार में, कहावत है दृष्टि से सृष्टि बदलती है। आपकी दृष्टि जैसी होगी, आपकी सोच जैसी होगी, वैसी आपका माहौल होगा घर में, वैसी आपका परिवार होगा, वैसी आपका सराउंडिंग्स होगा, आपकी दुनिया होगी, आपका समाज होगा, आपकी सोसाइटी होगी। अगर हर किसकी दृष्टि अगर पवित्र बन जाए तो सोसाइटी में पवित्रता होगी, सुख शांति होगी। लेकिन स्टार्ट होता है एक व्यक्ति से, और वो है आप। तो परमात्मा कहते हैं तो आपकी दृष्टि ऐसी सतगुणी हो जो कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। अब ये कौन है, ये तमोगुणी कौन है? कलयुग वाले, अभी की जो आत्माओं की स्थिति है, भ्रष्टाचार सब कुछ है इसके अंदर, काम क्रोध लोभ मोहकार, वो है तमोगुण। और रजोगुण कौन हो गए? द्वापर युग में, जहाँ पर फिर भी लोग साथ साथ रहते थे, जहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं होती थी, जहाँ पर ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, लोगों के आपस में प्रेम होता था, किसी को ईर्ष्या घृणा नहीं होती थी आपस में, तो ईर्ष्या घृणा जैसी चीजें कम थी उस समय, क्रोध थोड़ा सा कम था, अहंकार थोड़ा सा कम था, वो हो गया रजोगुण। तो परमात्मा कहते हैं तो ऐसी अगर तमोगुणी और रजोगुणी आत्मा भी अगर आपके सामने आ जाए, लेकिन आपकी इतनी प्योरिटी आपके अंदर है कि वो आपको देख करके, आपकी दृष्टि को देख करके उनके अंदर जो गलत फहमियाँ थी, गलत बोल थे, वो सब क्या हो जाए? खत्म हो जाए। जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का, अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए, तीनों लोकों का उनको ज्ञान मिल जाए, कि आपके सामने आते ही आपकी दृष्टि के द्वारा उनको ये महसूस हो कि मैं इस दुनिया की नहीं हूँ आत्मा, ये दुनिया तो टेम्प्ररी है, इस दुनिया से ऊपर भी दो और दुनियाएं हैं, एक दुनिया जहाँ से हम आए हैं और एक है फरिश्तों की दुनिया। उनको उसका भी आभास हो, उनको फीलिंग हो कि कुछ इस दुनिया से भी अलग है, और यही नहीं उनको अपने कई जन्मों का आभास हो जाए कि मैं तो ये एक तमोगुणी आत्मा नहीं थी, मैं इतनी रजोगुणी आत्मा नहीं थी, मैं तो एक पवित्र आत्मा थी, मैं कुछ बहुत महान थी एक समय पर, क्या हो गया मुझको। उनको ये महसूसता है कि वो पूर्व जन्मों में कुछ और थे, बहुत पवित्र थे और अभी ऐसे बन चुके, ये आभास हो किससे? आपके द्वारा। तो परमात्मा कहते हैं यही है नजर से निहाल करना, किसी को अपनी नजर से निहाल कर देना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी, अंत के समय पे, जैसे कि अभी कोविड के टाइम पर हम एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे थे, हम टेक्नोलॉजी के द्वारा मिले, फिर परमात्मा कहते हैं एक समय ऐसे आएगा अंत के समय, जिसको कहते हैं अंतकाल का समय, महाकाल का समय, कयामत का समय, एपोक्लिप्स का समय होगा, जजमेंट डे। उस समय तो ये टेक्नोलॉजी भी काम नहीं करेगी, मैं आपके सामने बैठ करके ये वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेट काम नहीं कर रहा होगा। तो उस समय क्या काम आएगा, कौन सी सर्विस काम आएगी? तब उस समय ये सर्विस चलेगी, कौन सी?
दृष्टि से निहाल करना, कोई आपके सामने आएगा, आपके अंदर इतनी पवित्रता होगी कि उसको फीलिंग महसूसता आ जाएगी, उसको तीनों लोकों का ज्ञान हो जाएगा, उसको परमात्मा से कनेक्शन हो जाएगा, ऐसी स्थिति बन जाएगी। क्यों? उस समय लोगों के अंदर अहंकार धन का नहीं होगा। इस समय भी कोविड के टाइम पे भी लोगों को धन का अहंकार खत्म हो गया काफ़ी लोगों को, क्योंकि जिसके पास धन था वो भी शरीर छोड़ रहा था, मृत्यु हो रही थी, जिसके पास धन नहीं था वो भी शरीर छोड़ता, मृत्यु हो रही थी। तो धन हो या ना हो, लेकिन कर्मों का हिसाब किताब किसी को देखता नहीं है कि आप अमीर हो कि गरीब हो। तो अंत के समय में ऐसी हालत होगी कि लोगों के पास में धन संपत्ति होगी लेकिन उनके पास में सुख चैन नहीं होगा। तो उस समय कौन सी सेवा काम करेगी? ये सेवा काम करेगी। तो ये ज्ञान क्या है, ये अंत का समय क्या है, इसको पहचानने के लिए आप ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जा करके आप वहाँ पर सीख सकते हैं इस सब चीज़ों के बारे में। और अगर आपको कुछ इसमें अच्छा लगे, आपने कुछ भी अनुभव किया हो थोड़ा बहुत भी ऐसा कुछ अपने जीवन में, तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। ओम शांति।